दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में जानने और समझने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बुंदेलखंड वैभव। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं छतरपुर जिले के मोनसरिया नामक प्राकृतिक स्थल पर, जो कि पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार जगह है। ये देखिए, शानदार पहाड़ियाँ और ये रोड, इसी रोड से हम लोग आए हैं दोस्तों। इस पहाड़ी पर 2.5 किलोमीटर का ये चढ़ाई है, इस चढ़ाई पर चढ़कर हम मोनसरिया पहुँचेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मोनसरिया, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का एक बेहतरीन पर्यटक स्थल मोनसरिया। दोस्तों, बने रहिए हमारे आप। चलिए दोस्तों, आज हम आपको घुमाते हैं बुंदेलखंड का एक प्रमुख पर्यटक स्थल मोनसरिया। जी हाँ दोस्तों, ये है छतरपुर जिले में स्थित विजावर के पास और जटाशंकर के पास, एक बहुत ही प्राकृतिक वातावरण से सुरम्य ये पर्यटक स्थल, जिसका नाम है मोनसरिया। दोस्तों, ये स्थान एक पहाड़ पर, पठार पर स्थित है। यहाँ बताया जाता है एक झरना है, कुछ गुफाएं हैं और उन गुफाओं में कुछ शैल चित्र भी है, ऐसा हमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं मोनसरिया। ये रास्ते कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ पथरीला ये रास्ता, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है इस समय। और ये देखिए, पर्यटक काफी दूर दूर से यहाँ आते हैं इस क्षेत्र को देखने, घूमने। हालांकि रोड खराब है और काफी दूर हमने हमारी गाड़ी को पार्क किया है, मगर आ सकते हैं धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण ये क्षेत्र है, पहाड़ी है, बहुत ही सुंदर पहाड़ी है ये। और हम अपनी गाड़ी से आए हैं तो काफी खतरनाक मोड़ भी पड़े हैं, पक्की सड़क थी। कुछ ही दूरी पर ये कच्चा रास्ता आपको तय करना पड़ेगा कुछ ही दूरी से। तो धीरे धीरे हम लोग चल पड़े हैं मोनसरिया की ओर, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, कुछ दूर और चले हैं हम, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन दृश्य के सामने। तो दोस्तों, लगभग लगभग हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है, बड़ी मुश्किल से यहाँ आई होगी। कच्चा रास्ता है, उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता है और बड़ी मुश्किल से ये 4-व्हीलर गाड़ी यहाँ तक आ पाई होगी। हालांकि कुछ 2-व्हीलर गाड़ियां भी खड़ी हुई है, वो भी बड़ी मुश्किल से आई होगी। लगभग हम लोग पहुंच ही चुके हैं, धीरे धीरे कर हम आ चुके हैं उस स्थान पर जिसे कहते हैं मोनसरिया। देखिए दोस्तों, पूरा इसमें पथरीला पथरीला ये रास्ता है, आप देख पा रहे हो। और अब यहां से मैं आपको इस क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखलाता हूँ। यहाँ पर जितनी भी चर्चाएं चल रही है,
वो पचमढ़ी का और यहाँ का कंपेयर करते हैं। अधिकांश लोग जब यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को वो पचमढ़ी से जोड़कर देखते हैं, पचमढ़ी की गुफाओं से, पचमढ़ी के रास्तों से, पचमढ़ी के पहाड़ों से इस क्षेत्र को जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, ये वो नाला है, नाला कहते हैं इसको, और ये नाला यहाँ गिरता है। दोस्तों और ये बरसाती नाला है, ये देखिए ये नाले का पानी यहाँ से गिरता है और झरने का रूप यहाँ इसको मिलता है। क्षेत्र में आपको पूजन सामग्री के कुछ दुकानें भी यहाँ पर उपलब्ध है, पूजन सामग्री की दुकानें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता है हमारे क्षेत्र, हमारे देश में पर्यटक स्थल जहाँ पे भी होते हैं वहाँ कुछ देवस्थान भी निर्मित कर दिए जाते हैं आस्था के लिए, तो उन देवस्थान पर ये कुछ दुकानें भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों से मैं आपको इस झरने का स्वरूप दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्रकृति द्वारा बनाया गया झरना बेहतरीन। नीचे बने नहीं सर, कुछ लंगूर रास्ता रोके हुए हैं, सब लोग देखिए दोस्तों ये प्रकृति का अद्भुत नजारा आप देख पा रहे हैं। गुफा है यहाँ पर, मानव निर्मित गुफा, मत नेचुरल नेचुरल नहीं है ये। जैसा कि मैं कई बार कह चुका हूँ, हमारी कमी है और ये हमारे मन शंकर मिश्रा जी झरने के ऊपर दोस्तों ये मोना सैया का अद्भुत नजारा आपके सामने। लगभग 50 से 60 फीट ऊपर से ये पानी यहाँ गिर रहा है और इसे झरने का रूप दे रहा है। ये बरसात का पानी है, मेरे ख्याल से गर्मी में ये पूरा सूख जाता होगा, केवल बरसात का ही ये पानी यहाँ आता है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ से बहुत अच्छा और बहुत सुंदर नजारा यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत नजारा। ऊपर लंगूर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं, चट्टाने, पहाड़ पर ये पूरा पहाड़ है दोस्तों। हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर इस पहाड़ पर चढ़े हुए, फोर व्हीलर से चढ़े हैं, फोर व्हीलर से आए हैं, और इस पर्वत पर भी हम लगभग 2-3 किलोमीटर चले जब ये मनोसैया हमें मिला। दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको और भी नज़ारे दिखाते हैं इस मनोसैया के। तो दोस्तों चलिए मनोसैया की जो गुफा है उसके अंदर हम आपको प्रवेश कराते हैं। तो दोस्तों गुफा का प्रवेश द्वार पूरी तरह नेचुरल ये गुफा है
और आप झरने की कल कल की आवाज सुन पा रहे हैं। बताया गया है तो बरसात में ही ये झरना चालू रहता है। नेचुरल है ये गुफा, पूरी नेचुरल ये देवस्थान है गुफा के अंदर। ये चबूतरा है, शिवलिंग शिवलिंग स्थापित है और ये पूरा नेचुरल है। मानव बच्चे सबसे दूर पूरा नेचुरल है, प्राकृतिक है, आप देख पा रहे होंगे। अंदर भी दुकानें लगी हुई है, प्रसाद आदि की देवस्थान है। ये देखिए दोस्तों, आप नजारा प्रकृति का नजारा देख पा रहे होंगे। अभी पानी नहीं गिर रहा है, उसके बाद भी आप देख पा रहे होंगे। सर कह रहे हैं कि ये जो पर्वत आप देख पा रहे होंगे हमारी छत पर, ये लगभग 100x50 का ये पर्वत है और 8 फीट ऊंचा है, तल से 8 फीट ऊंचा है लगभग ये। और ये गोवर्धन पर्वत की संज्ञा दी गई है हमारे जैन साहब द्वारा इस पर्वत को। देख पा रहे होंगे आप इसकी विहंगम, इसका आकार, इसकी आकृति, विहंगम प्रवृत्ति का ये पहाड़ 100x50। क्यों सर 100x50 का होगा ये? 100x50 का होगा, 2 मीटर 100 फिट में 100 फिट का होगा ये। लंबाई 100 फिट की होगी ना? ज्यादा 150 मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम 150 हो सकता है। देख पाइए हमारे ज्वालामुखी लावे से निर्मित ये ग्रेनाइट पत्थर चट्टान ग्रेनाइट का है ये। तो देखिए दोस्तों, इसकी बनावट बहुत ही शानदार और पूरा नेचुरल है, बिना कोई मानव हस्तक्षेप किए इसको यहाँ पर ऐसा है। पूरा गीला है, हालांकि चलने में दिक्कत जा रही है। तो बाबा जी है ये देखिए, ये बाबा जी विराजे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं मोना सैयद, छतरपुर जिले का एक बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल मोना सैयद। जस्ट पास ही है यहाँ के जटाशंकर, जटाशंकर भी यहाँ के पास में पड़ता है। ये बाबा जी कह रहे हैं कृपा हो जाए तो रोड बन जाए यहाँ पे, बहुत आवश्यक है। बहुत ऊबड़ खाबड़ पथरिया रोड है, आने में बहुत दिक्कत जाती है, फोर व्हीलर गाड़ी तो आ ही नहीं पाती है। ये पिकनिक चल रही है यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ से नीचे का स्थिति है, ये नीचे का। और ये वो झरना है जो मैंने आपको दिखाया था, ऊपर से लगातार कल 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 की आवाज गिर रहा है और दूधिया अपना दूधिया पानी दूधिया रूप में यहाँ पर गिर रहा है। बहुत ही शानदार है पूरा ये गुफा, अंदर ये गुफा है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा ये स्थान है मोना सैयद। दोस्तों आप जब भी छतरपुर घूमने आए, बुंदेलखंड का छतरपुर डिस्ट्रिक्ट घूमने आए, तो इस क्षेत्र में जरूर भ्रमण करने हैं। इसका नाम है मोना सैयद, ये जटाशंकर के पास में ही स्थित है ये पर्यटक स्थल। और ये यहाँ पर संत श्रोमणि श्री रविदास जी महाराज की भी एक मड़िया है, देख पा रहा हूँ। रविदास महाराज जी विराजमान है यहाँ पर, छोटे छोटे मंदिरों का मड़ियों का निर्माण किया है श्रद्धा की दृष्टि से। ये देखिए, ये देखिए बाबा लोग भी यहाँ पर हैं, खाद्य बाबा भी रखे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ये झरने में लोग झरने का आनंद लेते हुए स्नान भी कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, झरने का
आनंद भरपूर आनंद लेते नवयुवक स्नान कर रहे हैं और लगातार शिव भोले का जयकारा लगा रहे हैं। अब हम लोगों का नाश्ते का टाइम हो गया दोस्तों, हम लोग नाश्ता करेंगे उसके बाद पुनः हम ये चालू करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। यही कि दोस्तों यहाँ पर जल की क्या व्यवस्था है, ये इस पहाड़ के ऊपर से यहाँ पर लगातार जल संचय हो रहा है, इन पाइप के द्वारा जल यहाँ से गिर रहा है। कुंड से भी निकल कर बाहर से जल जा रहा है, पानी की व्यवस्था है। ये खाना वाना यहाँ बन रहा है तो बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है। लगभग 60 फीट की ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है और झरने का रूप बन रहा है। दोस्तों आपने देखा ये पर्यटक स्थल मोना सैया। चलिए अब हम आपको और भी यहाँ पर कुछ देखने लायक दिखाएंगे कि दोस्तों ये पानी दिख रहा है ऊपर से। ये गुफा है, एक गुफा और बहुत संभल समझ के जाने की आवश्यकता है। जोत जलाने आओ बोल रहे हैं। यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको ये अंदर का दृश्य है। इस गुफा का पूरी बंद है तो हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे। जोत जल रही है दोस्तों, अंदर जोत जल रही है लगातार। देखिए ये जोत जल रही है, आप देख पा रहे हो इस गुफा के अंदर। यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे, चिकनाहट है नीचे, चलने के चलने की आवश्यकता है। ये मंदिर है गप्पा जी का, गुफा है छोटी सी और ये दोस्तों मोना सरिया का अपना एक अलग एंजॉयमेंट, यहाँ पर नहाते हुए पानी में छोटे छोटे कुंड बने हुए यहाँ पर पानी संग्रह करते हैं लगातार। पहाड़ से पर्वत से जो पानी रिसाव होकर आता है कुंडों में, कुंडों में संग्रहित होता है। ये कुंड है, इन कुंडों में पहाड़ पर्वत का जो भी पानी रिसता हुआ आता है इन कुंडों में संग्रह होता है और फिर धीरे धीरे यहाँ से निर्वासित होता है।
लगातार ये पानी बह रहा है और पानी का एंजॉय करते हुए देखिए पर्यटक लोग आते हैं यहाँ पर एंजॉय भी करते हैं, भरपूर एंजॉय मिलता है। चलिए दोस्तों वापस चलते हैं, हम लोग गुफा से बाहर निकल रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, और इतना मनमोहक ये दृश्य है यहाँ का, इसे लगातार देखने की निहारने की इच्छा होती है कि लगातार इसे देखते ही रहें, निहारते रहें। और पार्टी बनाई थी हाँ पूछो यार चलो आ बन गई अपनी पार्टी आओ है ना। हाँ अच्छा के छाते बहुत बड़े बड़े कहते हैं पाँच पाँच छः छः फीट के छाते पचमढ़ी हाँ सही है का एक आदमी नहीं। इसमें हम ये चिंतन कर रहे हैं कि इसमें बीच में जो दस दस छोटे छोटे मंदिर बनाए तो कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी पूरी बात है एक कृष्ण की प्रतिमा बनाऊ उसको गोवर्धन पर्वत का स्वरूप गोवर्धन पर्वत देखिए गोवर्धन उसे आते बिल्कुल ये 50 से छोटी छोटी मणियां बना दी इनसे सत्ता नहीं बढ़ती। एक चित्त की जरूरत है मानते हो हाँ बने गोवर्धन पर्वत का समझ में आई ना हम फिर सब सलाह सलाह दे सकते ये 50 जो चित्र बना दिए कोई वो चित्र नहीं। हाँ 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 क्या घाटी कहाँ गए घाटी मन उनका वो हो रहा है ना।